आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने केएम हॉस्पिटल में किया प्राइवेट विंग का उद्घाटन। केएम मेडिकल पॉली हॉस्पिटल पाली डूंगा सॉक रोड मथुरा में प्राइवेट विंग का उद्घाटन माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी के कर कमरों द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के चेयरमैन किशन चौधरी, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर पीएनबी से व हॉस्पिटल डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अजय अग्रवाल के साथ हॉस्पिटल की समस्त ओपीडी में बैठे सभी विभागों के कंसल्टेंट के साथ मुलाकात की। अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके उपरांत उन्होंने हॉस्पिटल में न्यूरो आईसीयू आईसीसीयू में भी मरीजों का हाल चाल जाना और अस्पताल द्वारा जा रही उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कॉलेज के चेयरमैन व समस्त स्टाफ को बधाई दी। इस उपरांत माननीय सांसद ने हॉस्पिटल में नवनिर्मित प्राइवेट विंग जिसमें डिलक्स, सुपर डिलक्स, बस, सेमी डिलक्स रूम्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस का अपने कर कमरों द्वारा उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज के चेयरमैन व उनकी धर्मपत्नी संजू चौधरी अंजू चौधरी को हार्दिक बधाई दी। इसके उपरांत कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ फोटोग्राफी भी की गई। न्यूज 9 भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ युवराज, डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी, कात्यान पचौरी की रिपोर्ट। जैसे आज हमारे हेमा मालिनी सांसद जी ने जो प्राइवेट विंग का जो उद्घाटन किया, आज हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने हॉस्पिटल में प्राइवेट विंग का उद्घाटन किया है और मैंने कोशिश की है कि मेरे ब्रजवासियों को अच्छी से अच्छी मतलब स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए, इसलिए प्राइवेट वार्ड्स बनाए हैं। काफ़ी लोग हमारे ऐसे हैं कि उन्हें प्राइवेट वार्ड ही चाहिए, जनरल वार्ड में एडमिट नहीं हो पाते, तो अब मथुरा का कोई भी व्यक्ति चाहे कैसे भी व्यवहार का हो, कैसे भी सोच का हो, उसको आराम से एक 5-स्टार होटल जैसी फीलिंग्स इसमें हॉस्पिटल में मिलेगी और वो अब अपने इलाज के लिए दिल्ली, लखनऊ या जयपुर भागने की कोशिश नहीं करेगा। लौटने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि ये ब्रजवासियों का हॉस्पिटल है, ब्रजवासियों के लिए समर्पित है। उसी भावना को, उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सब प्राइवेट विंग बनाई गई है, जिसमें फिलहाल में करीब 40 बेड की व्यवस्था की गई है कि 40 पेशेंट प्राइवेट विंग में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्टल जैसा अनुभव कर पाएंगे। इसलिए ये सब हॉस्पिटल आज प्राइवेट जो विंग का उद्घाटन किया गया है श्रीमती हेमा मालिनी जी के द्वारा, वो ब्रजवासियों के लिए समर्पित। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।